गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स EL301 के चैप्टर नंबर 2 मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंतर्गत सम्मिलित टॉपिक 2.8 कंपैरिजन एंड एप्लीकेशंस ऑफ कपल्ड एम्पलीफायर्स का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग हमें पढ़नी थी, डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, जिसमें से पूर्ववर्ती लेक्चर में हमने आरसी कपलिंग का डिटेल में अध्ययन भी किया है। तो आज हम देखते हैं कि किन पैरामीटर्स के आधार पर इन तीन प्रकार की कपलिंग्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, साथ ही साथ इनकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पर्टिकुलर। यहां हमने 5 पैरामीटर्स का उल्लेख किया है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के आधार पर हम 3 प्रकार की कपलिंग का कंपैरिजन करेंगे। दूसरा पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो है कॉस्ट, लागत। तीसरा पैरामीटर है हमारा स्पेस एंड वेट। चौथा है इम्पीडेंस मैचिंग। और पांचवा हमारा पैरामीटर है यूज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल करके जो कपलिंग डिवाइस बनाई जाती है, आरसी कपलिंग डिवाइस। तो उस आरसी कपलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके बने एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट इज 20 Hz to 20 kHz में एक्सीलेंट होता है। अगर हम इसके कीमत की बात करें तो तुलनात्मक रूप से जो इसकी कीमत है वो कम होती है। स्पेस एंड वेट पैरामीटर पर जब हम इसको तोलते हैं तो तब भी ये बेहतरीन साबित होता है। इसका स्पेस भी ये कम लेता है, इसका वेट भी कम होता है। लेकिन एक कमी हमें यहाँ पर नज़र आती है कि जो इम्पीडेंस मैचिंग है That is not good in case of RC coupling। और जब हम particular use और अर्थात applications की बात करते हैं तो for voltage amplification in the range of audio frequencies RC coupling is the best option। अर्थात ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो हमारा वोल्टेज सिग्नल है, यदि उसे एम्पलीफाई हमें करना है तो आरसी कपलिंग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की। तो यहाँ इस कॉलम में जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है दैट इज पुअर। तो हम बात कर सकते हैं कि आरसी कपलिंग की तुलना में इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है पुअर। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका कॉस्ट है मोर, इसकी कीमत भी हमें ज़्यादा चुकानी पड़ती है। साथ ही साथ क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इट्सेल्फ बल्कि होता है तो स्पेस एंड वेट की अगर हम बात करते हैं दैट इज ऑल्सो मोर, वो भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग डिवाइस का होता है दैट इज
एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग, सर्वश्रेष्ठ इम्पीडेंस मैचिंग हमारे लिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग डिवाइस के द्वारा प्राप्त की जाती है। और यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर पावर एम्प्लीफिकेशन ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अब साथियों हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज डायरेक्ट कपलिंग, जिससे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बनते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट कपलिंग डिवाइस से बने डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेस्ट होता है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कीमत की बात करूं, तो इसकी कीमत वाले कॉलम में हमने लिखा है लीस्ट। तीनों कपलिंग का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसकी कीमत सबसे कम होती है। स्पेस एंड वेट, क्योंकि हमने दो एम्पलीफायर की स्टेजेस को सिंपली डायरेक्टली कनेक्ट किया है, सो प्रैक्टिकली देर इज नो कॉम्पोनेंट, इसीलिए इसका स्पेस एंड वेट ये भी सबसे कम है। इम्पीडेंस मैचिंग की अगर मैं बात करूं, सो द लेवल ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग दैट इज अचीव्ड बाय डायरेक्ट कपलिंग इज सेटिस्फैक्ट्री, दैट इज गुड। इम्पीडेंस मैचिंग का लेवल ठीक ठाक है। और अगर हम बात करते हैं कि कहाँ एप्लीकेशन किया यूज़ किया जाता है डायरेक्ट कपलिंग को, सो फॉर एम्पलीफाइंग एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसीज, यदि हमें एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई करना है, इन सच केसेस डायरेक्ट कपलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इन तीनों कपलिंग के बारे में अध्ययन हमने किया है, पांच फैक्टर्स फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, कॉस्ट, स्पेस एंड वेट, इम्पीडेंस मैचिंग और यूज अथवा एप्लीकेशन। तो जब अगर हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के आधार पर इन तीनों की तुलना करें तो डायरेक्ट कपलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के दृष्टिकोण से डायरेक्ट कपलिंग हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा हमारा जो पैरामीटर कंपैरिजन था कॉस्ट, तो इन तीनों की तुलना कॉस्ट वाले पैरामीटर के आधार पर करने पे डायरेक्ट कपलिंग हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के तौर पर निकल कर आती है। डायरेक्ट कपलिंग इज द बेस्ट फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा जो तीसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है दैट इज स्पेस एंड वेट, इस आधार पर भी जो हमारी डायरेक्ट कपलिंग है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट का इस्तेमाल हमें कपलिंग डिवाइस के रूप में नहीं करना है, एम्पलीफायर स्टेजेस को डायरेक्टली कपल करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा चौथा पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन था दैट इज इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के आधार पर जो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प मौजूद है दैट इज ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के द्वारा एक्सीलेंट वेरी हाई लेवल ऑफ इम्पीडेंस हमें प्राप्त होता है। हाँ, एप्लीकेशन के आधार पर जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशंस तीनों एम्पलीफायर्स की अलग अलग है। आरसी कपलिंग का इस्तेमाल हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में करते हैं फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर पावर एम्पलीफिकेशन और खास बात फॉर एम्पलीफाइंग एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज, वी कैन से फ्रीक्वेंसीज बिलो द ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, उसके लिए हम डायरेक्ट कपलिंग बेस्ड डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन पांच पॉइंट्स के आधार पर हमने
जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग और वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपल्ड एम्पलीफायर्स। आशा करता हूँ ये ई लेक्चर आपके लिए सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।